वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में कंप्लीटली हम जानेंगे कि कोई भी साइट पर हम जब वर्क करते हैं तो पहला प्रोसेस जो कि होता है साइट क्लीनिंग। अब साइट क्लीनिंग में किसी तरह का अगर ट्री आ गया तो उसका हम रेट एनालिसिस कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट, वो हम यहां पर टोटली समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं कि जिस तरह से सबसे पहले मैंने एक वीडियो लाया था आपको कंप्लीट डिटेल, जिसमें रेट एनालिसिस की हम बात कर रहे थे कि कंप्लीट हमने रेट एनालिसिस जाना। देन उसके बाद हमने जाना कि बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा होता है। इसके बाद मैं एक सीरीज लाया था इसी पार्ट के लिए जो कि था ड्राइंग रीडिंग की, एक ड्राइंग को हम कैसे रीड आउट करते हैं। इन सभी वीडियोस के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं इन सभी वीडियोस को। ये वीडियोस आपके जो आज का टॉपिक है इससे पहले अपलोड किए जा चुके हैं आप लोगों के लर्निंग इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों के लिए और कंप्लीट वीडियोस मैं लाता रहूं। क्योंकि आगे जो वीडियो लाने वाला हूं वो एक्सकवेशन का रेट एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए टोटली डिजाइन कर रहा हूं कि रेट एनालिसिस कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू CPWD नॉर्म्स। दोस्तों, लेकिन वो वीडियो मैं तब लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए जब आप इस वीडियो पे 1000 लाइक, दोस्तों आपका प्यार आपके सपोर्ट से वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, इसके अलावा एक वीडियो और लेकर आया था आप लोगों के लिए जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो थी कि किसी भी सॉइल का हम बेयरिंग कैपेसिटी कैसे चेक करते हैं। जितने लोगों ने वीडियो देख ली है वाली, यस जरूर करिएगा कमेंट में, मैं समझ पाऊंगा कितने लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और जितने लोगों ने नहीं देखी है वो जरूर देखी, क्योंकि कभी भी यूट्यूब चैनल पर कभी भी आपको किसी भी किताबों में इस वीडियो का डाटा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो एक प्रैक्टिकली सॉल्व वीडियो आप लोगों ने लेकर आया था, जिसमें आप लोगों ने समझा कंप्लीटली कि बेयरिंग कैपेसिटी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के कैसे हम किसी भी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो लेसन पर। और वीडियो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंप्लीटली बताता हूं पहले कि किस तरह से हम पेड़ का पहले मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद मैं आपको रेट एनालिसिस शीट पर जो कि एक्सेल शीट है उस पर लेकर जाऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि गिफ्ट इस वीडियो के बीच में ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन के लिए बेल आइकन को जल्दी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सिविल गुरुजी के रिगार्डिंग, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को कंप्लीटली नोटिफिकेशन मिलती रहे, सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों वो टेक्निकल नॉलेज आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होगी, क्योंकि इस चैनल पर कंप्लीटली टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं जो कि आपको कंप्लीटली इस चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां से और कंप्लीटली समझेंगे कि किस तरह से एक ट्री होता है उसका हम रेट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कोई ट्री है, जैसे हमारे पास ये हमारे पास ट्री और ये इसका ग्राउंड सरफेस, ये रूट्स हैं इसके। ग्राउंड सरफेस मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब नेचुरल ग्राउंड लेवल से मेजरमेंट कैसे करना है एक ट्री का, पहले वो बताता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो मेजरमेंट होता है वो 1 मीटर से हम मेजरमेंट करते हैं, जैसा कि प्रीवियसली मैंने ये आप लोगों को बता चुका हूं वीडियो में। जितने भी लोग सीरीज हमारे अटेंड करते हैं उन्हें पता है 1 मीटर से हम क्या करते हैं, पेड़ को मेजर करते हैं। अब आपको इसकी आउटर सरफेस मेजर करनी है, यहां से किसी भी पेड़ की आपको आउटर सरफेस आपने मेजर करी। जैसे मैं बात करूं इसका, मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया यहां पर, ये पेड़ की गिर्थ है बाहर वाली, ये इसका इनर डाया है। आपका यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड गिर्थ, इसको बोलते हैं क्या हम, गिर्थ। ये पेड़ की गिर्थ होती है। इस गिर्थ के अकॉर्डिंग हमारे CPWD या हमारे कोई भी गवर्नमेंट बिलिंग जो करते हैं हम, तो इसके अकॉर्डिंग हमें रेट देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, इस गिर्थ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आप इनर में देख रहे हैं ये इनर का डिस्टेंस, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूं यहां पर तो आप लोग देखेंगे, ये जो इनर में डिस्टेंस दिया ये है इनर डायामीटर, किसका, एक ट्री का ये इनर डायामीटर होता है। ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि इनर डायामीटर से हम कंप्लीटली जानते हैं किस हिसाब से रेट एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने तो इतना समझ लिया, ये बात एकदम कॉमन थी जो प्रीवियसली आप लोगों को बता चुका हूं, 1 मीटर से आपको मेजरमेंट करनी है और उसके बाद यहां पर आपको गिर्थ मेजर करनी है। अब गिर्थ की क्या है, यहां पर कंडीशन है अलग अलग। अगर 30 सेंटीमीटर से स्मॉलर देन 30 सेंटीमीटर यदि आपका ट्री का गिर्थ हुआ तो उसका जो बिल में क्लेम होता है वो हम अलग से नहीं करते हैं। जो प्रीवियसली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाया था साइट क्लीनिंग के ऊपर कंप्लीट डेट एनालिसिस, उसमें आप लोगों को बताया था 30 सेंटीमीटर से कम का जो ट्री का पैसा होता है उसी साइट क्लीनिंग के अकॉर्डिंग अंदर ही इंक्लूड रहता है, उसका अलग से पे हम नहीं लेते हैं गवर्नमेंट से, के बिलिंग में कभी भी हम क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपका पेड़ 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर तक हुआ
अगर ऐसी कंडीशन आई तो इसका पे मिलेगा। आज जो वीडियो लाया हूं कंप्लीटली मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाई, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर का यदि कोई ट्री होगा तो उसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, कॉफिशियंट क्या लेंगे लेबर का, वो आज हम समझेंगे। इसके बाद 60 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक यदि कोई ट्री हुआ तो उसका रेट एनालिसिस कैसे होगा, उसका कॉफिशियंट कैसे होगा, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट रेंज है 120 सेंटीमीटर से लेके 240 सेंटीमीटर तक की, ये बिल्डिंग आइटम के लिए बता रहा हूं आपको मैं, रोड के लिए नहीं है, ये है कंप्लीटली बिल्डिंग आइटम के लिए। अब 120 से 240 में कैसे करेंगे वो भी हम यहां पे एक्सेल शीट में देखेंगे इस वाले पार्ट को भी। देन इसके बाद आता है ग्रेटर देन 240 सेंटीमीटर। देखिए बिल्डिंग आइटम में जो गवर्नमेंट ने निर्धारित करा है यहां पर रेट, वो 240 सेंटीमीटर से अब जितने भी बड़े होंगे उनको एक रेंज में डिवाइड कर दिया यहां पर, कि एक ही रेंज है अब 240 से आगे मतलब 300 सेंटीमीटर का वो भी इसी रेंज में लाए करेगा हमारे यहां पर। तो ये हमारे ये क्राइटेरिया थे किसके लिए, पेड़ की गिर्थ को नापने के लिए। तो दोस्तों अब यहां पर चलते हैं हम एक्सेल शीट की ओर, एक्सेल शीट में हम समझेंगे कि इस चीज का इन चार मैंने जो कंडीशन बताई आपको चार कंडीशन, इन चार आइटम का हम किस हिसाब से रेट एनालिसिस करते हैं अलग अलग कॉफिशियंट के आधार पर, वो आपको कंप्लीटली आज डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहां पर एक्सेल शीट को समझने के, एक्सेल शीट हम कैसे रेडी करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने एक्सेल पैटर्न देखा ही है। इस एक्सेल पैटर्न की मदद से हम समझेंगे किस हिसाब से रेट हमारा लिया जाता है एक ट्री को काटने का। एक चीज यहां पर पहले मैं आपको समझा दूं, यहां पर देखिए ट्री टोटली डिपेंड करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसके लिए यहां पर लायबल है ट्री के लिए। आपको ट्री को काटने का पैसा मिलेगा जो कंप्लीटली यहां पर पैसा आपको पे होगा, किसका, ट्री को काटने का, उसका मैं यहां पर कंप्लीट रेट एनालिसिस लेकर आया हूं। जैसा कि आप समझेंगे 2.33 क्या है, ये कोड नंबर है आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए रेट का। यहां पर लिखा है फेलिंग ट्रीज ऑन द गिर्थ, अब देखिए यहां पर वर्ड आ गया गिर्थ, गिर्थ आपको समझा चुका हूं पहले ही, मेजर्ड एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से 1 मीटर हाइट आपको ऊपर गिर्थ को मेजर करना है। इंक्लूडिंग कटिंग ऑफ द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, रिमूविंग एंड रूट्स, स्टैकिंग ऑफ सर्विसेबल मटेरियल, डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल मटेरियल, मतलब खाली पेड़ नहीं काटना, पेड़ के द्वारा जितना भी आइटम होता है चाहे उसके ब्रांचेस हो, उसके पत्ते हो, उसके रूट्स हो, अनसर्विसेबल मटेरियल जितना भी है आपको वो भी साइट से रिमूव करवाना है। ये यहां पर हमें आइटम नंबर दे दिया किसने, गवर्नमेंट SOR ने। दोस्तों ये चीज समझिए आप, ये जितने आइटम मैं आज आपको बता रहा हूं, ये वीडियोस में बताता हूं यूट्यूब चैनल पे, ये कंप्लीटली सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन में अवेलेबल है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स में इजीली एप्लीकेबल है। उसको कैसे आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स या गुरुजी के खजाने कोर्स में एनरोल होना है, उसका कंप्लीटली मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग वहां जाकर विजिट कर सकते हैं सिविल गुरुजी एप्लीकेशन में। लेकिन उससे पहले चलते हैं यहां पर पॉइंट पर। अब यहां पर 2.33.1 पे मैं कोड आपको यहां पर रिलेट करता हूं, क्या लिखा है, बियॉन्ड 30 सेंटीमीटर गिर्थ अप इंक्लूडिंग 60 सेंटीमीटर गिर्थ, मतलब कौन सी रेंज, जो आपको पहली रेंज बताई थी मैंने 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर के गिर्थ में यदि कोई आता है यहां पर हमारा पेड़, और एक चीज समझे इंक्लूडिंग वर्ड नोट कर दिया, मतलब 60 सेंटीमीटर वाला इंक्लूड होगा। अगली रेंज कौन सी थी, 60 से 120, तो उसमें 60 वाला नहीं है, 61 से लेके 120 वाला है, क्योंकि यहां पे इंक्लूड कर दिया, ऐसे ही सेम वहां पे इंक्लूड कर दिया 120 सेंटीमीटर को। दोस्तों ये एक मैंने यहां पे फॉर्मेट रेडी किया है, उस फॉर्मेट को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा नंबर ऑफ ट्रीज, क्या लिखा यहां पे नंबर ऑफ ट्रीज, मैंने माना एक पेड़ है केवल साइट पर, लेकिन ये मैंने शीट ऐसा रेडी किया है आप बस अपने साइट पर ये पता करिए कितने पेड़ हैं, किस सेंटीमीटर के, किस डाया के, आप इजीली यहां पर लिखिए और डाटा खुद ही यहां पर बन के आएगा, क्योंकि इसे कहते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इस लेवल तक आपको पहुंचाना है मुझे अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स में। मैंने यही मोटिव रखा है आपको कि आपको काम कम करना पड़े, क्योंकि स्मार्ट स्किल से ही हम अपनी ग्रोथ पा सकते हैं, हार्ड वर्किंग से कोई भी ग्रोथ नहीं पाया अभी तक। अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर लिखा डिटेल्स ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ट्री 15 सेंटीमीटर डाया एंड एवरेज हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब कोई पेड़ है उसकी आपने गिर्थ मेजर की और गिर्थ आपके इस वाले पॉइंट में लाए कर गई, मतलब मान लीजिए 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच में गिर्थ आ गई। अब जो उसका डाया, अब डाया कौन सा होता है आपको समझाया था अभी, गिर्थ मतलब बाहर का डिस्टेंस और डाया मतलब अंदर का डिस्टेंस, जो अंदर का हमारा डिस्टेंस है एक ट्री का, उस ट्री का मैंने माना डाया फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर का हमारा यहां पे डाया है, जब 30 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर के बीच में आएगा तो 15 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, और ट्री की जो एवरेज हाइट है वो मैंने यहां पर कंसीडर करी है 3 मीटर की, 3 मीटर हमारा लंबा है ट्री, यहां पर मैंने लिख दिया उसको। तो दोस्तों यहां पर लिखना डाया ऑफ ट्री 15 सेंटीमीटर जो कि मैंने यहां पर अडॉप्ट किया वैल्यू, और एवरेज हाइट अडॉप्ट किया 3 मीटर, ये यहां पर मैंने वैल्यू को इधर यहां पर लिख दिया इधर।
अब इसके बाद अब क्या क्या कंडीशन आएगी जरा वो समझते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि जो वुड आएगा, यहाँ से वुड निकल के आएगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी और क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपको फाइंड आउट नहीं करनी है, फाइंड आउट ये ऑटोमेटिकली करेगा। मैं आपको ये शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, ये शीट आपको मिलेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन समझे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वुड कितना 0.053, लेकिन कैसे आया, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार इन एक्सेल। अब एक्सेल में जो फॉर्मूला बार दिया है उसमें एक फॉर्मूला लगाया मैंने F5, देखिए समझे F, और यहां पर 5 क्या है, देखिए F5 मतलब ये नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्री की मैंने मल्टीप्लाई करी 3.14 जो कि हमारे पाई की वैल्यू होती है। इसके बाद E8/100, देखिए E यहां से E8/100, 8 क्या है ये क्या है, इसका ट्री का डायमीटर है, डायमीटर को मैंने सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको मैंने 100 से डिवाइड करके किस में चेंज कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। देन अगेन ये दोस्तों यहां पे जो फॉर्मूला लगा है वो लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पे एच की वैल्यू हमारी कौन सी है, यहां पर आप देखेंगे E9, ये जो लास्ट में मल्टीप्लाई करी हमने किससे, E9 से। ये 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमने डायमीटर की मल्टीप्लाई करी है और आप लोगों को पता है डायमीटर से रेडियस कन्वर्ट करने में हमें 2 से डिवाइड करना है, और 2 रेडियस है तो कितना हो गया 2 × 2 दैट इज 4, तो यहां से 4 से हमने क्या कर दिया, इसका डिवाइड कर दिया यहां पर। तो यहां पर समझ में आ गया हमें कि क्वांटिटी ऑफ वुड आएगी हमारे पास 0.053 क्यूबिक मीटर, लेकिन हम यहां पर 20% एक्स्ट्रा लेते हैं किसके लिए, ब्रांचेस के लिए, क्योंकि साइड में जो ब्रांचेस होते हैं उनकी कैलकुलेशन अलग से नहीं करते, उसको हम लगभग अमाउंट 20% मान के चलते हैं अपने पार्ट में। तो इस वाले अमाउंट का 20% यदि मैं बात करूं तो देखिए फॉर्मूला लगा दिया यहां पर E11/20%, E11 मतलब E11 दिस पार्ट जो क्वांटिटी ऑफ वुड है उसका हमने 20% यहां पर कंसीडर किया है, जो कि हो गया 0.011 क्यूबिक मीटर। दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू आई 0.064 क्यूबिक मीटर। ये एक पेड़ का जो वुड आया है हमारा उसकी कंप्लीट वैल्यू आई है, इसका चार्ज नहीं मिलेगा, अभी भी समझ लिए, ये कंप्लीटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेड़ है। यदि आपको पेड़ काटना है साइड से तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप किसी भी पेड़ को यहां से कटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो पैसा मिलेगा आपको लेबर का पैसा मिलेगा, उस वाले पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए लेबर फॉर कटिंग इन ट्रीज रिमूविंग द रूट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन फिलिंग इन पिट्स एंड डिप्रेशन, पेड़ को काटने के बाद पेड़ से निकला हुआ अनसर्विसेबल मेटल हमें अपनी साइड से बाहर करवाना है और जितना भी वहां पे अंडुलेशन आए उसको रिमूव कराने हमें। तो यहां पर 2 तरह के यहां पर लेबर्स हमारे लगते हैं, जो कि सबसे पहला होता है बेलदार और दूसरा होता है कुली। बेलदार का काम कंप्लीट रहेगा पेड़ को कटिंग करना, पेड़ को काटना किसका काम है, बेलदार का। कुली का काम कंप्लीट रहेगा जो पेड़ से अनसर्विसेबल मेटेरियल निकला उसको साइड से बाहर पहुंचाना। तो यहां पर उससे समझने से पहले थोड़ा सा यहां समझाता हूं आप लोगों को, बेलदार और कुली के हमारी कोफिशिएंट वैल्यू कि इनकी एफिशिएंसी क्या है काम करने की। एक पेड़ को काटने का बेलदार को जो टाइम लगता है वो लगता है 0.33 डे, लेकिन इसको समझेंगे कैसे आसान, प्रीवियसली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी रेट एनालिसिस के ऊपर, साइट क्लीनिंग के ऊपर, तो उसमें कंप्लीटली समझाया था आप लोगों को, लेकिन फिर से समझाता हूं एक बार। देखिए एक पेड़ को काटने में 0.33 डे लगते हैं, लेकिन एक दिन में कितना पेड़ काटेगा, जितना पेड़ एक पेड़ को हम डिवाइड कर देंगे जितनी उसकी एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड 3.0303 ट्री पर डे, जो कि कैसे निकाला मैंने फॉर्मूला बार में, आप फॉर्मूला देखेंगे 1 क्या है, एक पेड़ कितनी एफिशिएंसी 0.33, तो इससे पता चल गया हमारे एक दिन में करीबन बेलदार 3 पेड़ यहां पर काट सकता है यदि इस डायमीटर इस गिर्द के अंदर वो लायक कर रहे हैं हमारे। अब समझते हैं कुली की कंडीशन, तो देखिए कुली भी यहां पर जो काम कर रहा है वो कर रहा है एक दिन में एक ट्री को काटने में 0.17 डे, लेकिन कितने ट्री काटेगा एक दिन में वो समझना है। तो क्या करना है, जितना उसकी काम करता है उससे डिवाइड कर दो उसकी एफिशिएंसी। देखिए यहां पर निकल के आया 5.8824 ट्री पर डे, मतलब एक दिन में करीबन 5.8 लगभग मैं मान के चलूं 6 ट्री यहां पर हमारा यहां पे काम कर सकता है। क्या काम है कुली का, कुली का काम है जो मटेरियल यहां पे काटा है बेलदार ने उसको साइड से बाहर पहुंचाना, किसका काम है आपके, कुली का काम है। अब दोबारा से चलते हैं एक्सेल शीट में, और एक्सेल शीट में हम जानते हैं यहां पर कि यहां पर क्या करा मैंने, एक फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला आप लोग देखेंगे यहां पे फॉर्मूला जो उसकी एफिशिएंसी है 0.33 डे पर ट्री, ये इसकी एफिशिएंसी है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दी नंबर ऑफ, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर जो है ट्री को यहां पर मैंने ले लिया कि यहां पर मेरे पास 2 ट्री है, फॉर एग्जांपल यहां पर 2 ट्री है और 2 ट्री मैंने कंसीडर किए, तो आप लोग देखेंगे वुड की क्वांटिटी तो इंक्रीज हुई है, साथ के साथ यहां पर क्वांटिटी हमारे जो एफिशिएंसी हमारे लेबर की वो भी इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया आप लोगों के लिए। फॉर्मूला क्या है, 0.33 जो कि इसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय F5 जो कि हमारा क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज दिए गए हैं। आप नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर हमारी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज। अब मैं दोबारा से इसको यहां पर कर देता हूं 1, तो 1 करते ही यहां पर आप लोग देखेंगे क्या हुआ,
कि वन करते दोबारा से हमारे एफिशिएंसी वही वैल्यू यहां पर आ चुकी है। सेम मैंने काम किया है कुली के काम में, जो कुली हमारा क्या करेगा, जो अनसर्विसेबल मटेरियल है उसको साइट से बाहर करेगा, उसकी एफिशिएंसी 0.17 डे पर ट्री है, जिसका रेट मैंने 558 रुपए लिया है एज पर सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मान लीजिए आप किसी कॉन्ट्रेक्टर का बिल बना रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टर के बिल बनाते टाइम आपको पता है बेलदार और कुली का रेट क्या लिया है कॉन्ट्रेक्टर ने, कॉन्ट्रेक्टर का बिल बनाते टाइम आप वही रेट यहां पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जहां जिस जोन में रहते हैं वहां पर ये रेट दिया है 250 रुपए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर क्या करना है, इधर जाना है 250 रुपीस लिखा यहां पर, ऑटोमेटिकली यहां पर रेट चेंज हुआ, यही तो काम करना है हमको। आप किसी भी जोन में हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, आपको करना क्या है, केवल अपने रेट पहचानने की, बेलदार और कुली को क्या रेट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर काम करेंगे। मैंने जो फॉर्मूला सेट किया वो इस हिसाब से कि आपको किसी भी तरह का इश्यू क्रिएट ना हो यहां पर। आपको आसानी से क्या करना है, केवल इस नंबर ऑफ ट्री को लिखना है यहां पर, डाया ऑफ ट्री और हाइट ऑफ ट्री। अब इसके बाद चलते हैं, केवल इन्हीं तीन डाटा से आपका पूरा ये डेटा एनालिसिस सॉल्व होने वाला है। अब इसके आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सुंदरीज। ये एक ऐसा आइटम जो हमारा क्या होता है, अलग से जो हमारे आइटम इक्विपमेंट लगते हैं इस पार्ट को, जो कि अप्रोक्सीमेटली आइटम्स होते हैं हमारे। अब यहां पर उसकी जो कॉस्ट लेते हैं वो लेते हैं लमसम, यहां पर जो कॉस्ट लिया है वो लिया हमने लमसम कॉस्ट लेते हैं यहां पर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं लमसम यहाँ पर जो कॉस्ट लिया है वो लमसम कॉस्ट, जो कि 2 रुपए यहाँ पर हम कॉस्ट लेते हैं। अब उसकी क्वांटिटी 2.73, जो कि ये एफिशिएंसी, मतलब इतना लगभग इसमें लगेगी हमारी क्वांटिटी, इसका रेट 5.46 रुपए आ गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पर टोटल कर दिया दोस्तों, टोटल करने पर मेरा 232.10 रुपए यहां पर आ गया रेट। अब इसके बाद यहां पर 1% लगाना है हमको वाटर चार्जेस, जो कि यहां पर हमें कंपलसरी होता है 1%, तो वाटर चार्जेस हम लेते हैं जितना भी रेट आएगा, तो 1% वाटर चार्जेस यहां पर लेकर आप लोग देखेंगे फॉर्मूला लगाया मैंने H18 क्या है मेरा, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.01, जो कि 1% होता है, मैंने 1% की मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद अगेन मैंने इन दोनों आइटम का क्या कर दिया, टोटल कर दिया। उसके बाद अब क्या कहानी है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड की कहानी, की ओवरहेड क्या होता है कंप्लीटली, अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दिया है आप लोगों के लिए, वो वीडियो आई थी जरूर देखिएगा, उस वीडियो में उसमें कंप्लीटली मैंने ओवरहेड कॉस्ट बताया था आप लोगों को क्या होता है ओवरहेड कॉस्ट। अब यहां पे 15% लिया, फिर से वही कहानी कि आपके साइड पे 10%, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में जो मैंने कंप्लीट रेट एनालिसिस पढ़ा रहा हूं वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा नॉर्म्स जो निर्धारित किए गए हैं आप लोगों के लिए, वो मैं यहां पर ले रहा हूं कि 7.5% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और 7.5% ओवरहेड, तो इसलिए मैंने 15% लिया। लेकिन आप जहां भी काम करें, अगर आपको 10% कॉन्ट्रैक्टर के बिल में देना है तो आप यहां पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहां पर 15 की जगह 10% कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 10% यहां पर वैल्यू लेगी। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है 269.58, मतलब अगर मेरे पास कोई पेड़ है जो 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर की गिर्त के बीच में लाया करता है, और इसके अलावा डाया और पेड़ 15 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 3 मीटर है और एक पेड़ है, तो उसको काटने का 269.58 करीबन 270 रुपए मुझे मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कंप्लीटली यहां पर कि 270 रुपए किस हिसाब से, किस रेट एनालिसिस से मिलते हैं। तो एक क्वांटिटी सर्वे इंजीनियर का, एक एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर का, एक बिलिंग इंजीनियर के पास ये सभी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यदि आप बनना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो आपको कंप्लीटली सिखाया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं यूट्यूब पर भी आप लोगों को यहां पर लर्निंग प्रोवाइड कर दूं, लेकिन सीक्वेंस में सीरियल वाइज में आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर पूरा डिटेल में दिया गया है, जिसमें कंप्लीटली वाले पार्ट सिखाते हैं। इसके अलावा और भी पार्ट है आप लोगों के लिए जो मैं यहां पर बताने आया हूं इस वीडियो। दोस्तों अभी तो आपने समझ लिया 30 से 60 सेंटीमीटर की गिर्थ में कोई पेड़ लाया करेगा तो क्या होगा, लेकिन अब मैं एफिशिएंसी बताता हूं आप लोगों को कि 60 से लेकर 120 में यदि कोई पेड़ रहता है इस वाली रेंज में लाया करेगा तो आपके बेलदार की एफिशिएंसी हो जाएगी 1.5 डे, क्योंकि ये पेड़ बड़ा होगा आपका तो एफिशिएंसी भी क्या होगी यहां पर हमें बढ़ानी पड़ेगी उसकी, क्योंकि कम काम निकलेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर कुली की जो एफिशिएंसी वो आधा 0.75 रहेगा, और सुंदरी हमें 5.46 लमसम लेनी होती है क्वांटिटी, 120 से लेकर 240 में रहेगा। बेलदार की हम क्वांटिटी लेंगे यहां पर 7 डे पर ट्री, इसके अलावा कुली की क्वांटिटी लेंगे 3.5 डे, और सुंदरीज लेंगे 8.06 जो कि लमसम रहेगी। अगर 240 से ऊपर जितने भी हमारे गिर्द के पेड़ लाए करते हैं उनके लिए हम लेंगे 14 डे, बेलदार के लिए कुली के लिए लेंगे 7 डे, और सुंदरीज के लिए लेंगे 26.91 लमसम कॉस्ट यहां पर ली जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके ही डिमांड पर यह टॉपिक लाया गया था, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं
के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो अब मैं चाहता हूं आप लोगों से, आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द मैं वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसे ही प्यार बनाई रखिए और डाउनलोड कीजिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को, विजिट कीजिए www.civilguruji.com, कोई और इंक्वायरी के लिए कॉल कीजिए 9111001234। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।